भाई अभी चलते हैं दिल्ली की तरफ। शंकर जय श्री राम बोल ले करो, ये बोलते हो है नहीं बच्चे। तीन चाय बना हुए, तीन चाय बच्ची, तीस हाँ तीस चाय लड्डू पीते हैं। छोटा रस्सी खोल रहे हैं भाई, यहीं उतरेंगे स्टॉक में अंदर यहाँ पे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो भाई पहुंचे हुए हैं, तारने लगे हुए हैं, चलिए भाई शुरू करते हैं। आज आए हैं दिल्ली में, प्रेम नगर है वहाँ पे आए हैं आज। ये नई साइड है, बच्चन भाई साहब के बिल्डर है, उन्हीं का है सब कुछ, उन्हीं का ग्राहक है। एक हजार ट्रोले में डालेंगे, 1000 ऑर्डर आया, बकायदा गिनती करके डालेंगे, खाली होगी अभी। चलते हैं, तो कमरे पर पहुंच गया भाई खाली करके। पहले नहाऊंगा, तबीयत तो थोड़ी ख़राब है लेकिन नहाना पड़ेगा, दो तीन दिन से नहाया ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ज़्यादा बीमार तो ज़्यादा दिक्कत तो नहाने की वजह से ही हुई है, क्योंकि नहाया भी नहीं। थोड़ा बहुत अगर धूप लग रही है, थोड़ा बहुत नॉर्मल पानी होगा तो उससे तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी, अगर बुखार होगा तो फिर भाई ढंग से ही हो लेगा, तो फिर टीका लगवाऊँगा इंजेक्शन, फिर ढंग से बुखार चढ़ ही लेगा, या फिर नहाने के बाद में उतर ही जाएगा या फिर चढ़ जाएगा अच्छे से। तो क्योंकि पानी टंकी में रहता है तो ठीक रहता है, ऊपर धूप में सही नॉर्मल रहता है, लेकिन नीचे टैंक है लैटरिन बाथरूम के बीच बिल्कुल नीचे, पूरे मतलब कि 20-30 फुट का टैंक है पूरा बड़ा, कम से कम 5000 लीटर के कई टैंक उसके अंदर आ जाएंगे, 4-5 हज़ारों लीटर का टैंक है नीचे। तो पहले नहाता हूँ, फिर खाना खाऊँगा, फिर देखेंगे आज क्या भरेंगे। थोड़ी बहुत देर 2:30 बजे तक सोता हूँ, 2:30 बजे अलार्म बोलता है, फिर ये पूछता हूँ कि भाई कौन सी भरनी है आगे फ़ोन करके, और फिर उससे सिस्टम बनाना पड़ता है कि भाई 2:30 बजे उठने के बाद में पता लगता है कि भाई ऑर्डर है उस चीज़ का है और उन इंटों का है या है नहीं या नहीं है। जो मज़ा पूरी वीडियो देखने में है वो मिनी व्लॉग देखने में मज़ा नहीं आता। इस जो पूरी वीडियो व्लॉग बनता है पूरा 8-9-10 मिनट का, तो ये वीडियो में इसमें पूरी डिटेल का पता लगता है कि कहाँ से भरते हैं, क्या भरा है, क्या रेट है, सब कुछ पता लगता है। मिनी व्लॉग से तो बस सिर्फ एक लोगों को ये है कि भाई पता लग जाता है कि भाई हर कोई आदमी देख सकता है उसको रोल करते हुए, जैसे स्क्रीन को रोल करते हुए हम रील्स देखते हैं तो उसमें पता लगता रहता है कि भाई किसकी रील है, किसकी आ गई, क्या देख रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरतमंद आदमी को अगर रील दिखती है तो फिर वो वीडियो भी देखेगा, और भाई अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो रोल कर दें ऊपर, और भाई ज़रूरतमंद आदमी को ही फ़ायदा होना चाहिए हमसे, अब मेरे से मेरी वीडियो से ज़रूरतमंद आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। और अगली दूसरी बात यह है कि भाई वैसे तो टाइम पास के लिए ही हम जब टाइम हमारे पास मतलब ठाली बैठे हैं तो फ़ोन देखते रहते हैं, तो कोई ना कोई देखेगा ही, इसलिए मिनी व्लॉग का। और शेखर बार बार कह रहा था कि भाई मिनी व्लॉग बनाओ, तो मिनी व्लॉग में चलता रहेगा साथ साथ में, लेकिन दो दिन वीडियो नहीं आई, व्लॉग नहीं आया, तो उसमें दिक्कत रहती है क्योंकि
मैं फिर पूरा दिन बिजी रहता हूँ, नहीं तो मैं खाली रहता हूँ। अगर मिनी व्लॉग बनाना पड़ता है तो उसमें टाइम एडजस्ट नहीं होता, उसमें तो कम टाइम लगता है बिल्कुल, अपलोड भी जल्दी हो जाती है 5 सेकंड में 10 सेकंड में, और ये तो कम से कम 1 घंटे के अंदर अपलोड होगी, और आधे घंटे या उसे 25-30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में एडिट हो जाती है। तो ये बातें हैं कि भाई मतलब मिनी व्लॉग में मुझे मज़ा नहीं आया, बस ये है कि भाई लोगों को पता लगता रहेगा और जल्दी टाइम में जल्दी दिख सकती है वो, क्योंकि पता लगेगा कि भाई इस नाम से ये चैनल है और ये बंदा है वीडियो बनाता है, तो व्लॉग भी देखेगा जरूरतमंद आदमी। भुट्टे पर पहुंच गए भाई, RK1 लगाता हूँ, लेवर आ रही है और भरते हैं, फिर दिखाता हूँ इसमें लगाएंगे भाई। है तो एक आधी नरम सी है इसमें भी, अब प्योर नहीं रहा माल, प्योर थोड़ी मिक्स आ रही है जो बाद में बस बचे है ना हल्की है, पर उसी के हिसाब का रेट भी है, रेट भी कम हुआ है, आगे भी रेट कम हुआ है, इंटो के हिसाब से रेट है, टॉप का तो वही है 9,92,95,100, 10,000 दिल्ली का। बहुत मजा आता है आज। कैसे शर्त लग रही है का फर? पूरे टक भट्टे का चक्कर था, कट्टा सेट ईट लेके इसने 60 ईट कहीं नहीं टक ले आया। और कितने रुपए की शर्त है? 1 ठंडे के 2 रुपए बस। ना भी ले आया छोरा, ले आया भाई, इस गट्टी में तो लिख दिया था ले आया, अब तो चाय पलट जाओ बस। हाँ बात यहाँ इस गट्टी में तो लिख दिया है ले आया भाई छोरा, पूरे भट्ठे का चक्कर कटवा ले आया, कम से कम 200 मीटर से, 100 मीटर इधर है 100 मीटर उधर है, ठंडे की 100 रुपए की। तो भरने लगा दिया, लग गए हैं भरने के लिए, शुरू हो गए हैं, लग भी लग जाओ तुम भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, सांप आ गया। मर गई है भाई, तो भी भरने लगी हुई है RK1, और वही इंटे थोड़ी हल्की है क्योंकि ना बाद में सारे जितने भी भट्टे हैं जो बाद वाला गेड होता है लास्ट वाला उसमें दिक्कत आती ही है, मतलब कई बार बता चुका हूँ मैं, दिक्कत ये इसी वजह से आती है क्योंकि बारिश के कारण तो सीलन ना जाती है अंदर भट्टे में, और जब ईंट ज़्यादा गर्म होती है तो बारिश के कारण उसके अंदर पानी चला जाता है, सील हो जाती है, तो ईंट में कमजोरी आ जाती है, तो उसमें टूट बन जाती है, और जो कच्ची मतलब बारिश के कारण कच्ची ईंटें भरी होती है वो थोड़ी हल्की मतलब गिल्ली होती है, मतलब कि पूरी सूखी नहीं होती, जब पूरी सूखी ईंट भट्ठे में डलती है पकने के लिए तो वो ईंट एक नंबर की बनेगी भाई। वैसे तो अगर कच्ची ईंट में अगर जैसे गिल्ली है आली भरी हुई है बारिश के कारण सीलन भट्ठे में आ जाती है, कुछ तो पकने के बाद में कमज़ोर हो जाती है, कुछ ईंटें गिल्ली होती है तो वो ईंटें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं भट्ठे के अंदर, तो ये समस्याएँ बनती है बाद में, जो बाद वाला लास्ट वाला गेड़ बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भट्ठे वालों को, नुकसान भी काफ़ी सारा हो जाता है इसमें, अब बल्कि कम से कम ही निकलेंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम जय बजरंग बली, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।